मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल का किया गया पुतला दहन। राजपूत करणी सेना ने किया पुतला दहन। टीकमगढ़। बीते दिनों मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बिसाहू लाल साहू के द्वारा क्षत्रिय समाज की महिलाओं के साथ अभद्र भाषा एवं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिसको लेकर समूचे प्रदेश में क्षत्रिय समाज की महिलाओं में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर क्षत्रिय समाज की महिलाएं जगह जगह मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री बिसाहू लाल साहू का जमकर विरोध करने में जुटी हैं। इसी तारतम्य में टीकमगढ़ जिले के गांधी चौराहे पर राजपूत करणी सेना के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ क्षत्रिय समाज की महिलाओं ने खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद बीच चौराहे पर बिसाहू लाल साहू का पुतला दहन किया। करणी सेना के जिला अध्यक्ष विनय प्रताप सिंह ने चेतावनी दी कि यदि बिसाहू लाल को मंत्री पद से नहीं हटाया गया तो मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि समूचे देश में क्षत्रिय समाज उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। पुतला दहन में राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं के साथ क्षत्रिय समाज की महिलाएं मौजूद रहीं। आज हम लोगों ने समस्त करणी सेना ने बिसाहू लाल जो हमारी माता बहनों के लिए सवर्ण समाज के लिए जो अभद्र टिप्पणी की थी उसको लेकर आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है। ये कौन है बिसाहू लाल? कौन है ये? भारतीय जनता पार्टी भाजपा की मंत्री है जो कि हमारी महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इनको पद से हटाया जाए। अगर नहीं हटाया जाता है तो 10 दिन में हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आप देख रहे हैं SRB बुलेटिन न्यूज़।